जनरल फैज़ हमीद साहब का और शहबाज शरीफ साहब की पार्टी का एक माजी है जो हो ना सकी बात वो चेहरों से आया थी वो वाला मामला था नवाज सॉरी शहबाज शरीफ साहब के चेहरे के ऊपर भी एक आ, थकावट के शायद कोई आसार थे उसको नांगवारी के तो नहीं कह सकते यूँ लग रहा था कि जनरल फैज़ अमीद साहब भी रात को सोए नहीं हैं और उस पर बड़ी गुफ्तु हुई गुफ्तु से मुराद ये है कि सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया किसी को नहीं बख्शता हजूर आपको पता ही है लोग फिर सारी बातें खोल खोल के बयान करते हैं जनरल फैज़ अमीद साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिसके सदर जनाब शबाज शरीफ साहब हैं शबाज शरीफ साहब जो हैं वो उस रास्ते पर कभी भी नहीं चले जिस रास्ते से तकलीफ जो है जनरल फैज़ अमीद साहब को थी या जनरल फैज अमीद साहब से जो तकलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुई शायद वो प्रेम शरफ़ के बाद ये दूसरी तकलीफ थी जो उनसे वैसे तो रही साहब से भी हुई थी लेकिन ये वाली जो थी वो वाला मामला थोड़ा सा था इमरान खान साहब से ज़्यादा लोग कहते हैं कि अगर कोई चाहता था कि नवाज शरीफ साहब फारि हों बड़ा प्लान जो था सारे का सारा वो इनकी इन्हीं के खाते में जाता है जब वो डी जी सी थे फिर जब डी जी आई एस आई बने तब भी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है यानी कि मरीम नवाज साहबा भी उनमें शामिल हैं वो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा ले जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक गए और कि इनको फ्रीक बनाया जाए बन सके नहीं बन सके ये बहस नहीं है लेकिन एक जो एक कह लें कि जो मतलब इनके आपस में जो तल्लक़ात हैं वो कशीदा हैं तो कुछ लोग बल्कि यकीनन बहुत से लोग तो कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब जनरल फैज़ अमीन साहब को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ना लगा सकें इसी लिए वक्त से पहले उनकी हुकूमत को रखसत किया गया है और इसमें जो फ़ैसला था वो बुनियादी फैसला नवाज शरीफ साहब का था आसफ अली जरदारी साहब भी कार हुए और कोई और कुछ और भी गैर सियासी जो थी शख्सियात वो भी शायद जो थे वो नहीं चाहते थे कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनके इदारे के अंदर इस तरह की सेंध लगाएँ के नकब लगाएँ के अदारे का डिसप्लिन भी जाता रहे और अदारे में दराड़ें भी पड़ें और यूनिटी जो है यानी यूनिटी ऑफ कमांड जिसको कहते हैं वो भी ख़तरे में पड़े तो लिहाजा बहुत से अवामिल जो हैं वो मुश्तरक हो गए या बहुत से मिल गए जो रीज़न्स थी वो जॉइंट हो गई और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अकेले हदफ रह गए बहुत सी सियासी और ग़ैर सियासी ताकतों का तो वो उनको फिर इस वजह से जाना पड़ा तो आज की मुलाकात जो है इसके ऊपर मैं बात कह के तो किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता सोशल मीडिया के ऊपर जाएं और आप जर, जो तबसरे हैं तबसरत जो हैं वो ज़रा मुलायजा फरमाएं आपको मज़ा आएगा मतलब ये कि अगर किसी को थोड़ा सा मूड ऑफ है तो वो ये वाली चीज़ें पढ़े उसको मज़ा आएगा YouTube पर गुगली TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गुगली TV टाइप करें गूगली TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसू हो जाएगा